ये बहराइच जिले का वो इलाका है जहां पर कल मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ है और लोग इस तरह का आक्रामक हो गए हैं कि लोगों ने देख लीजिए हीरो की एजेंसी पूरी की पूरी इसमें आग लगा दी है। गाड़ियां जल रही हैं, विस्फोट भी हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें किस तरह की यहां की स्थिति है और किस तरह से ये गाड़ियां पूरी तरीके से जल रही है। ऐसा नहीं है कि एक दो मिनट से जल रही है, घंटों से ये गाड़ियां ऐसे ही जल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें एक बार, ये हीरो की एजेंसी है और अंदर किस तरह की स्थिति है मैं आपको दिखा दूँ। देख लीजिए अंदर किस तरह से आग जल रही है और एक तो नहीं यहाँ पर बगल में ई रिक्शे की भी एजेंसी थी, वो भी पूरी तरीके से जल रही है। और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में भीड़ जमा है, लोगों का आक्रोश है। लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक उन अपराधियों का जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया है जिसमें इस तरह के लोग शामिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एक साथी हम उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार ऑफ। चाचा ये बताइए क्या घटना हुई थी जिसके बाद लोग इतना आक्रोशित हो गए हैं, इस तरह की घटना? ये हुई थी कल मूर्ति जब जा रही थी विसर्जन के लिए, मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी तो उनके अब्दुल हमीद के लड़के ने एक रोड़ा उठा करके मूर्ति पर फेंक दिया। इसके बाद जब फेंक दिया तब इधर से भी लोग बवाल के हीन बस वो एक लड़का कहाँ पकड़ कहाँ खींच कहाँ तक गई के बाद वहाँ अंदर एक घर के गोली मार कहाँ तक बाहर निकाल दी। ये लोग हैं दादा, ये कौन सी एजेंसी थी? ये हीरो की मोटरसाइकिल किसका था? ये फारूक की। अच्छा, फारूक की है ये। तो लगातार यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है और स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में, भीड़ भी जमा है। यहाँ पर DIG, DM, SDM शायद ही कोई ऐसा प्रशासन हो जो आया ना हो। लगातार प्रशासन की गाड़ियाँ देख लीजिए आ रही हैं, किस तरह से पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, इस स्थिति को रोकने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन स्थिति यह है कि स्थिति हाथ से बाहर होती जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए DM की भी गाड़ी आ रही है, SDM आ रहे हैं, लगातार फोर्सेज आ रही हैं। लगातार मैं एक बार फिर से कहूँगा कैमरामैन को दिखा दे किस तरह से ये फारूक की एजेंसी बताई जा रही है, किस तरह से वो जल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की फीलिंग हो गई है। और देख लीजिए बगल में, मैं कैमरामैन से कहूँगा आ जाए यहाँ पर ई रिक्शे की एजेंसी है, जो ई रिक्शे की कुर्सी थी जिस पर मैनेजर बैठते थे वो भी पूरी तरीके से देख लीजिए आग में तब्दील होती दिखाई दे रही है। ये साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, शायद ही कुछ यहाँ पर बचा हो। पूरा का पूरा शमशान घाट बन गया है। यहाँ पर बगल में बात की जाए मेडिकल स्टोर की तो मेडिकल स्टोर भी पूरी तरीके से जलता हुआ दिखाई दे रहा है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें ऊपर का ये मार्ग जो है, APJ अब्दुल कलाम स्मृति द्वार, जो चांदपारा का ये स्मृति द्वार है, यहीं की ये घटना है। अब ये देखने वाली बात होगी ये जो हिंसा है, ये जो आक्रामक है, लोगों का आक्रोश है, ये कब तक शांत होता है। बहराइच के मासी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।